नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक स्मार्ट। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। तो घुटनों पर आ गया पाकिस्तान, 4 साल में पहली बार दिल्ली में क्यों मनाने जा रहे नेशनल डे? क्या है लाहौर प्रस्ताव? पड़ोसी देश पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। वह भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश में जुट गए हैं। आर्थिक संकटों से त्राहिमाम कर रहे पाकिस्तान को इस वक्त पड़ोसी देश से मधुर संबंध बनाने की सबसे ज्यादा दरकार है। और शायद इसीलिए 4 साल में पहली बार पाकिस्तान नई दिल्ली में अपना नेशनल डे मनाने जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस दिन नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें विदेशी राजनयिक और भारतीय शामिल होंगे। आमतौर पर किसी मंत्री या राज्य मंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने अपना राजदूत वापस बुला लिया है। क्या है नेशनल डे? पाकिस्तान 23 मार्च को नेशनल डे राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर में मुस्लिमों के लिए एक अलग संप्रभु देश बनाने का प्रस्ताव रखा था और लाहौर मीटिंग में पार्टी ने उस संकल्प को अपनाया था। लाहौर संकल्प की वर्षगांठ को ही पाकिस्तान ने राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तान में 23 मार्च इसीलिए भी अहम है क्योंकि 23 मार्च 1956 को ही पाकिस्तान का संविधान भी लागू हुआ था, जिसके तहत पाकिस्तान इस्लामिक गणतंत्र बना था। लाहौर प्रस्ताव में क्या? 1940 में 22 से 24 मार्च के बीच लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था। इस दौरान मुस्लिम लीग ने 23 मार्च को मुस्लिमों के लिए एक अलग संप्रभु देश बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। हालांकि लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान नाम का जिक्र नहीं था, लेकिन जब बाद में पाकिस्तान अलग देश बना तो इस प्रस्ताव को पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाने लगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।